खरगोन जिले के बालसमुद में युवक लखन गांगले ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गांव के सरपंच ने मारपीट की है। खरगोन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस मामले में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। युवक का कहना है कि शिकायतों के कारण नाराजगी के चलते उसके साथ मारपीट की गई। युवक के साथ 10 से 12 लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मांग ये है सर मेरी कि जिस तरीके से एक सरपंच का कार्य होना चाहिए जनप्रतिनिधि के रूप में, जनता की वो सेवा करे, समस्याओं का हल करे। एक्चुअली क्या है कि मैं समस्याओं, ग्राम की जो भी समस्याएं रहती है उनको लेके शासन को और वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराता हूँ, तो इसी दुर्भावना से, क्रूरता से उन्होंने मेरे ऊपर आत्मघाती हमला किया है। क्या नाम है आपका? लखन गांगले। मेरे ऊपर जो रात्रि हमला किया है, मेरी आँख के पास चोट आई है। अगर हो सकता है, बाय द वे, अगर मेरी आँख कोई लग जाता तो मेरा क्या होता। जैसे भेड़ियों पर रोकथाम लगाना बहुत जरूरी है शासन को, प्रशासन उनकी जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। मुझे गाली गलौज की है उसने, हरिजन बलाइटे बोला है, सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच कमलेश पाटीदार की। आज क्या नाम आपका? आज 4 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे भेड़ियों की हमें जरूरत नहीं है, इनको बर्खास्त करे और शासन इन पर कड़ी कार्रवाई करे। क्या नाम आपका? लखन गांगले।